हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। 7:15 हो रहे हैं, 7:15 हो गई हैं और मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और मेरा ना थोड़ा सा गला बैठा सा हो रहा है, पता नहीं कैसे गला बैठा बैठा सा भी हो रहा है। और अभी चाय वगैरह पी ली है और पशुओं का काम हो गया है ना। आज ना पशुओं का काम, नहाना धुला जो लाते हैं धुलाते हैं वो वाला काम सारा हो गया है सुबह वाला। और अब बारी आती है घर का काम करने की। तो घर के काम में क्या करेंगे, आज हम करेंगे घर की सफाई, जैसे कि जाले वगैरह मारना। थोड़ी थोड़ी सफाई चल रही है ना होली की, तो वो वाली सफाई अब मैं करूँगी। तो पहले मैं चाय वगैरह पी ली है और मैं मट्ठा लगाऊँगी चलाने के लिए पहले तो, और बर्तन वर्तन इकट्ठे कर दूँगी। उसके बाद ना जो बर्तन हैं चाय वगैरह के, थोड़े एक दो रात के हैं, उन बर्तनों को सबको इकट्ठा कर दूँगी और पहले सफाई करूँगी। उसके बाद ना फिर मैं बर्तन मतलब जो काम है बाद में करूँगी। लाइट चली गई है, ये देख सकते हो 6 बजे लाइट चली जाती है। और आज ना मैंने बहुत सुबह ही मतलब पशुओं को नहला दिया, उनके नीचे जो साफ़ सफाई होती है जहाँ वो रहते हैं वो भी कर दी है, दूध निकाला, मतलब सारा काम हो गया है। तो मैंने कहा आज जल्दी करते हैं, जब जल्दी करेंगे ना तभी फिर थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। तो मैंने कहा अब सफाई कर लेते हैं फटाफट। चल, उसका भी सो रही है और उसके पापा जी ने चाय पी ली है, मैंने पी ली है। और मौसम ना ठीक है, अच्छा है, धूप निकल आई है, धूप निकल आई है, अच्छी खासी धूप निकल रही है। जैसे कि सुबह के टाइम निकलनी चाहिए ऐसी धूप निकल रही है। और मैंने ना शॉल ओढ़ रखा था, सुबह सुबह उठी थी ना तब मैं पशुओं का काम करने के लिए, तब ना ठंड लग रही थी तो मैंने वाला शॉल ओढ़ लिया था। अभी अभी तो ओढ़ूंगी थोड़ी बहुत देर, और अगर गर्मी लगेगी तो फिर उतार दूँगी, है ना। और यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं जो चाय वगैरह पी थी, नमकीन बिस्किट भी रखे हुए हैं, इन सबको अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ और काम को कर देती हूँ शुरू, है ना। और कपड़े लगाए थे जब मैंने मशीन में तभी लाइट चली गई थी, पर चलो दोबारा आएगी 8 बजे या 8:30 तक आ जाएगी लाइट। तो चलिए फटाफट से करते हैं साफ़ सफाई और आपके साथ करते हैं शेयर। बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैंने जाले साफ किए और उसके बाद ना वैसे भी इधर उधर
चाहे मतलब जाले हो या ना हो, थोड़े हो या ज़्यादा हो, फिर भी ना अगर आप जाले साफ करते हो तो फिर कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत गिरता ही है, तो यहाँ सिलिप वगैरह सब कुछ। तो मैंने कहा चलो फिर इसको भी ऊपर से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और वैसे भी ना मुझे साफ़ करनी ही थी क्योंकि चल रही है सफाई दीपा होली की वजह से, तो मैंने कहा चलो फिर ना इसको भी आज अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, वैसे मुझे तो करनी है ही। और जाले ना साफ़ हो गए हैं और मैं स्लिप को ना अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना इधर ना चिकनाई वगैरह भी हो जाती है और डब्बों पर ना बैठ ही जाती है चाहे आप कितना ही कुछ कर लो। तो मैं यहाँ पर उसी को अच्छे से साफ़ कर रही थी, और जो थोड़ा बहुत सामान था ना, जैसे मुझे लग रहा था कि ये यूज में नहीं आएगा तो मैं उसको भी नीचे ही फेंक दिया था। मैंने कहा चलो इसको भी उधर डाल आऊँगी जहाँ पे हम रखते हैं जैसे कचरे को, वहाँ तो वो वाली यहाँ पर सफाई चल रही है। और ना और मैंने कहा चलो फिर इन डब्बों को भी साफ़ कर लूँगी और फिर नीचे से स्लिप को तभी साफ़ करूँगी जब ऊपर से साफ़ हो जाएगी। अगर नीचे से साफ़ कर लूँगी तो फिर ना कितना ही आराम से कर लो तो भी थोड़ी बहुत धूल आ ही जाती है, इसलिए तो मैंने साफ़ कर लिया है। अब ना मैंने कपड़ा गीला करके और फिर ना मैं इस पे स्लिप को अच्छे से पोंछ लूँगी। पहले मैं डब्बों को पोंछ रही हूँ ना फिर स्लिप पे, तो फिर क्या होगा कि ख़राब हो जाएगा कपड़ा, इसलिए मैंने कहा डिब्बे को पहले डिब्बों को पोंछ लेती हूँ फिर स्लिप पे अच्छे से गीले कपड़े को मार लूँगी। तो ये वाला काम यहाँ पे चल रहा है क्योंकि झाड़ू से तो मैंने इसको साफ़ कर दिया है अच्छे से, तो मैंने कहा चलो गीला कपड़ा लग जाएगा ना तो फिर और भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा, तो उस काम को ही मैं यहाँ पर कर रही थी। और जो कचरा था वो मैंने नीचे ही फेंक दिया है, झाड़ू से नीचे डाल दिया है क्योंकि झाड़ू लगेगी साफ़ सफाई होगी तो सारा ही कचरा एक साथ भर जाएगा। और अब मैंने यहाँ पर ये अच्छे से साफ़ कर दी है और मैं उतर आई हूँ नीचे। और ना मैंने यहाँ पे ना मूढ़ी रख रखी थी जिसपे मैं पैर रख के ऊपर चढ़ जाती थी स्लिप पे, और उधर मैंने किचन के जो मुझे साफ़ करना था वो कर दिया। और अब मैं आ गई हूँ अंदर रूम में, ये अनुष्का वाला रूम है और इसमें ना सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो सोफ़ों को भी अच्छे से झाड़े देते हैं, इनकी गद्दी हटा करके और इनको अच्छे से झाड़े देते हैं। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सफाई कर ही लेते हैं तभी हो पाएगी। तो यहाँ पर मैंने वो सारी गद्दियाँ अलग हटा दी हैं और हटाने के बाद मैंने कपड़ा लेकर सबको झाड़ना शुरू कर दिया है ना। वैसे तो फिर भी इतनी धूल नहीं आती है, गेट वगैरह बंद रहते हैं ना फिर भी चाहे कितने ही गेट बंद कर लो, लेकिन पता नहीं थोड़ी बहुत धूल तो आ ही जाती है। ये ना ये नहीं कह सकते हैं हम कि भाई बिल्कुल नहीं आती, आती है ऐसा नहीं है, चाहे आप कितने ही इंतजाम करें लेकिन धूल फिर भी आ ही जाती है। तो वो वाला काम मैं यहाँ पर कर रही थी और मेरा मन था कि मैं ना इन गद्दियों को ना बाहर धूप में डाल दूँ, तो मैंने कहा चलो आज मैंने बैठ के गद्दे सुखा रखे हैं उधर धूप में, मैंने कहा इनको कल डाल देंगे, एक एक करके सुखा लेंगे, ज़्यादा काम नहीं फैलाते गाइस, हैं। जाले वगैरह साफ करने के बाद ऊपर घर और मैं आ गई हूँ नीचे। और नीचे ना मैंने पशु बाहर कर दिए हैं, सारे भूसे डाल दिया है उनके लिए, चारे के लिए भूसे भी डाल दिया है। साफ़ सफाई पहले ही मैं कर गई थी और अब मैं आ गई, थोड़ी सी मुझे सफाई करनी है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाऊंगी। वरना मेरा सांस चढ़ रहा है काम करते करते, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है। मैंने सोचा चलो फ़ोन को ऊपर से लेकर के आती हूँ और ना फिर आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो, और ना आवाज़ नहीं निकल रही है आज, पता नहीं क्या हो रहा था। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और यहाँ पर ना इधर की साइड हमारा पशुओं के लिए चारा वगैरह भूस जो बोलते हैं वो रहता है इधर, तो इधर से ले जाते हैं। और इधर ना घास उग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो आज इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई वैसे भी चल रही है घर के ऊपर, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी यहाँ पर भी हो जाएगी, क्योंकि इधर से भूसा वगैरह भूस जो होता है वो ले जाते हैं ना, तो बड़ा डर सा लगता है इसमें कोई कीड़ा वगैरह कुछ ना हो, इसलिए मैंने कहा चलो आज इसको साफ़ करते हैं। कई दिन से सोच रही थी इस काम को करने का, मैंने कहा आज चलो इसको भी कर ही देते हैं, तो आपके आपको दिखाऊँगी मैं इसको साफ करती हूँ अभी।
साफ सफाई कर दिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना घास उगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, और ना यहाँ से बहुत ज़्यादा डर भी लगता था निकलने में। उधर से बस वगैरह लेकर आते थे पशुओं के लिए चारा, तो ना बहुत डर लगता था। तो मैंने कहा भाई इसकी वजह से काम तो छोड़ नहीं सकते, काम तो करना पड़ेगा, तो फिर क्या किया जाए। मैंने कहा एक ही उपाय, इसको साफ कर देते हैं। तो मैंने ना आज इस घास को सारी को साफ कर दिया जितना मुझसे हुआ है ना, मैंने कर दिया। मैंने कहा इतना तो हो गया जिससे कि हम अच्छे से निकल जाएँ और ना भूस वगैरह पशुओं के लिए ले आएँ, क्योंकि इधर रहता है भूस। इधर हमारा पुराना घर है जो थोड़ा टूटा फूटा सा हो गया है, तो इधर भूस भर देते हैं पशुओं के लिए। तो मैंने कहा चलो आज इसकी सफाई करते हैं घर इसकी, क्योंकि ना बहुत डर लगता था ये देखिए। और इसकी वजह से काम करना तो नहीं छोड़ सकते थे, तो कुछ उपाय ही सोचना था। तो इधर हमारा रहता है भूस पशुओं के लिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इधर रहता है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर, इधर की तो साफ सफाई हो गई है, जितना भी मुझसे हुआ है वो मैंने कर दिया है। तो चलिए, और आज ना आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो चलिए चलते हैं फटाफट से ऊपर। ये देखिए इधर से रास्ता है, इधर हमारा चारा पड़ा हुआ है, इधर पशु बन रहे हैं। तो गाइस अभी ना नीचे से आई हूँ काम करके, जैसा कि आपने देखा साफ सफाई करके नीचे की भी, और ना अभी ऊपर आई हूँ, अच्छे से हाथ मुंह धोए हैं है ना, और बैठी हुई हैं 2 मिनट के लिए। मैंने कहा चलो 2 मिनट बैठते हैं, बहुत ज़्यादा सांस भी चढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। मैंने कहा अब आगे का काम थोड़ा सा बैठ करके रेस्ट करके तब करूँगी। और अभी ना मुझे झाड़ू लगानी है, जैसा कि मैं यहाँ पर सफाई वगैरह कर गई थी, जाले वगैरह साफ कर गई, तो अभी मुझे झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना है, इतना काम अभी मेरा बाकी है। उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी। लाइट आ गई है, पानी मैंने गर्म करने के लिए लगा दिया है। मैंने कहा इतने में काम करूँगी, अच्छे से गर्म भी हो जाएगा और फिर मैं नहा लूँगी। कपड़े भी मशीन में मैंने लगा दिए हैं। तो मैं इस वीडियो का ना अब एंड भी करूँगी, क्योंकि वीडियो भी बन गया है और मैं भी थक गई हूँ, अब आगे हिम्मत नहीं है। मैंने कहा चलो वीडियो का एंड भी कर लेते हैं, आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलूँगी आपसे कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और होली की सफाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि होली का ज़्यादा टाइम अब नहीं रहा है। वैसे तो सबने कर दी होगी है ना, सभी करते हैं अपने घर पर। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।